अच्छा जो है गुल्लू ने सोना इस बास्केट के अंदर। ये भी एक नेमत है कि आपके शोहर को आप अच्छे लगो। मंदानी मंदी आ चुकी है, अब इसको नोश फरमाते नोश। कितना सब कुछ अभी फादर के पास, ये सब इसकी पिंक कलेक्शन है। तो भाई अभी जो है ये इजी मुझे जो है मिली है बाबर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। जे हजे तक तुसी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जे अगर नहीं भी किया तो कोई गल नहीं, जो थोड़ा दिल करे उस टाइम कर लियो। एक और गल, सारे कह सके मैं एक ब्लॉग जरा पंजाबी बनावा जल्द, और पंजाबी वाला ब्लॉग बनाना, बट हजे नहीं क्योंकि आज के ब्लॉग च नहीं, क्योंकि मैं हम याद आ रहा की कर सकते हैं। तो खैर ऐसे याद नाल करते हैं अपने व्लॉग में स्टार्ट। रात को सैरी करने के बाद मैं सो गई थी, तो जो आप लोगों को दिख रहे हैं सब कपड़े हैं ये वॉश किए, ये किए हैं वॉश शाहरुख अजमल ने। और आज मेरी तबीयत इतनी लो है, इतनी लो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऊपर से पूरा घर फैला हुआ है और एक मैं ही हूँ जिसने सब कुछ मैं ही हूँ जिसने सब कुछ करना है। शाहरुख को बोलती शाहरुख करती, शाहरुख मुझे इतनी बातें सुनाता इतनी, और मुझसे ना बातें नहीं बर्दाश्त होती, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो रही ना, आई जस्ट कांट इवन टेल यू। मतलब मैं बहुत चिड़चिड़ी, आज मेरा ऐसा दिल हो रहा है मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ कि मतलब मेरे सामने कोई ना मैं उसको कत्ल कर दूँ। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। खैर ये सब मेरे बहाने ने सफाई करने के ना करने के, तो खैर जो भी है बकवास। मैं दिमाग को सोच रही हूँ उठ के मुझे ही काम करना, तो उठती हूँ और काम करती हूँ। फिर इंसानों वाले कपड़े पहनते भी तो मैंने शर्ट पहना हुआ है। और अभी जो है मैं नहाए नहाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए, अभी जो है इफ्तार में बाकी सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट रहते हैं मुझे अभी ताकि मैं टाइम। मैं जा रही हूँ भाई की तरफ, वहाँ पर जाकर मैं इफ्तार करती हूँ। वहाँ पर इफ्तार करने का रीज़न ये है कि वो मेरी फैमिली है, फैमिली में इफ्तार करना आई लव दिस। क्या हुआ, कौन गया? फादिया जी, फादिया बोलो। अरे वाह, अभी देखते हैं, दिखाओ दिखाओ, माशाल्लाह A+ ली है। अरे वाह वाह भाई, फादिया तो बहुत अच्छी बच्ची है, हैं? फादिया को अब गिफ्ट देना चाहिए। और ये रहा हमारा इफ्तार, शुक्र है टाइम पर पहुंच चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा टाइम रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो है इफ्तारी हो चुकी है और बहुत अच्छी हुई, और मुझे अच्छा लग रहा है खाना खाने के बाद। जी फादिया, फादिया मुझे बुला रही है, बोले इधर आए जी, बताओ। अरे वाह, अरे वाह, ओहो ककुनो उसकी नहीं। कितना सब कुछ है अभी फादिया के पास, ये सब इसकी पिंक कलेक्शन है और बहुत अच्छी कलेक्शन है। हाँ वाह, आपके पास रेम्बो कलेक्शन है। फादिया नहीं टूट जाएगा, फादिया का को टूट जाएगा। ये इसका है, ये इसकी है चश्मा। अच्छा वो कह रही है ये मेरा है इसलिए तो बोल रही है। अभी जो है ये मुझे जो है मिली है बाबर की तरफ से, और हमजा और बाबर की तरफ से। सबसे पहले हमजा की तरफ से बात, सबसे पहले ये ड्रेस है बेबीज के, और ये इतने क्यूट लग रहे हैं, और ये मैं ढूंढ रही थी, मिली है फाइव पैक ऑफ फाइव मिला है जी सही, और ये मुझे लेने थे। चलो मेरी बचत हो गई, ये ले ली, और हाँ ये भी ले लेते हैं, मुझे सब मुझे कहते कि ये लास्ट में लेना। और इसमें जो है एक गाड़ी खोल के देखते हैं, एक खोलो ना दो मत खोलना, एक बेबी का है, एक तुम्हारा और एक शाहरुख भाई का। अच्छा, और इसका पता कैसे लेगा मेरा कौन सा? तीनों में बराबर है, जो भी खोलना है खोल। अच्छा सही, आपका फायदा हो गया। आपके बच्चों के आपके लिए अच्छा किया ये, क्योंकि आगे जाके बहुत कम लिया, मैंने भी लिया, मैंने सेव लिया, लेकिन आप लोग की तरह से दी। अच्छा, और लॉरेंस का जूते भी है, ये मैंने ले, ये मैंने चूज कर ले, मैंने इसके से, मैंने ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट, ऐसा के हां के तो पहनने वाले हैं ना। हां अच्छा, ये हमारे पास एक फादिया का और तीन जो है बाबर की तरफ से है, और उसके अलावा जो है ये शर्ट है, ये शर्ट किसी बड़े बच्चे के लिए, अच्छा भाई ये शाहरुख के लिए शर्ट, ये शर्ट भी बहुत प्यारी है। और इसके अलावा जो है हमारा एंड में जो है हमें ये शैम्पू और ये सब ये चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास भी है एक उन्होंने दे दी है, तो मतलब आगे मुझे जाके काम आनी ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच, आप ये बाबर वाले ने दिया, तुम्हारी थी बेबी की दी है, वो तो मेरी होगी ना बेबी की, तो
बेबी की नहीं मेरी, क्यों तुम्हारी की होगी पागल, तुम्हारी मेरा है तुम्हारा है। 9 महीने मैंने पेट में रखा है, तुमने नहीं। और जो भी हमें ईदी मिली है जो बाबर ने दी है उससे हम लोग जाएंगे मॉल। शाहरुख का जो है ईद के जूते नहीं थे क्योंकि शाहरुख के जो है ईद के कपड़े हमने नहीं लिए थे, तो चल के अभी ले लेते हैं। शाहरुख के जूते लेने जा ही रहे थे कि एक फ्रेंड है गर्ल, मतलब कपल है, गर्ल फ्रेंड कह रही, तो उसने बोला कि मंदी के आ जाओ, तो हम लोग यहाँ मंदी खाते, मैंने बोला चलो ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से पहले मंदी खाएंगे, मंदी खाने के बाद हम लोग जाएंगे क्या कहते हैं उसको, शाहरुख जूते लेना। और अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा मंदी क्या होता है, मंदी असल में ये एक अरेबिक डिश है जो कि ज़्यादातर अरब ममालिक में ज़्यादातर खाई जाती है, और अभी यहाँ पर भी इन लोगों ने सेटअप किया है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो दो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपने ऊपर बैठना टेबल पर या फिर फ्लोर सीटिंग में, लेकिन हम हमेशा आके फ्लोर सीटिंग ही करते हैं, जब फ्लोर पर बैठ कर उसका मंदी खाने का जो असली स्वाद आता है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट हमने कर लिया है और जब आएगा फिर आपको दिखाऊँगी। तो अभी फाइनली हमारा खूबसूरत सा मंदानी मंदी आ चुकी है, अब इसको नोश फरमाते हैं, नोश फरमाने के बाद तो हम लोग जूते लेने जा रहे थे, बस वो मंदी खाए, फिर उसके बाद जो है हम लोग जूते लेने नहीं गए वो किसी रीजन की वजह से। अभी हम जा रहे हैं छोटी को लेके हॉस्पिटल, पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल सही चल रही थी और फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसकी वजह से मैं उसको जूते लेना स्किप कर दिया। शाहरुख के मैं सोचा मैं उसको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, फिर मैं बाद में देख लूंगी कि मैंने कब इसके जूते लेने। यहाँ पर जो है शाहरुख ने इसको डाल दिया है इसके अंदर, इसके बास्केट के अंदर, बस चले शाहरुख। फाइनली शाहरुख अजमल को जो है मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। ये भी एक नेमत है कि आपके शोहर को आप अच्छे लगो, तकलीफ होती है ना शोहरों के दिल में दिमाग में। चले चले अभी जो है हम लोग अभी देख जा चुके हैं, ये रही छुटकी, छुटकी अंदर बैठ के कुछ खेल रही है, दिक्कत लग रही थी मुझसे। सो अलहमदुल्ला मैं घर वापस आ चुकी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी फिर उठ के आप लोगों से बात करती हूँ। अभी ये लाइट्स ऑफ करके ना इतनी कोई डरावनी मूवी देख, और मैं ये हॉरर मूवीज नहीं देखती, तो बहुत डर लगता है। गुल्लू यहाँ पर आके स्लीप फरमा रहे हैं, तो मैं डर नहीं लगता ऐसी मूवीज देखने के बाद। तुम भी मुझे घोस्ट लगते हो। अभी इसने मेरी हालत पे तर्स खाते हुए लगाए हैं मिस्टर बीन। मिस्टर बीन वेनेसडे भूल गए हैं, अभी वेनेसडे लेने जा रहे हैं। और भाई आज से जो है गुल्लू ने सोना है इस बास्केट के अंदर, ये गुल्लू की जो है जो सुकून वाली जगह बन चुकी है। जब से ये बास्केट आई है तब से सामान से निकालना शुरू किया है, तो इसको इसको बास्केट में ही सोना है, किसी को ये हाथ नहीं लगाने दे रहा। तब मैंने फिर इसको बास्केट निकाल के दिया, चल तुम इसमें खेलने का, तो तुम आराम से खेलो। ये देखें ये देखें, ये इसका सुकून मिलता है यहाँ पर। और हमारे आज के ब्लॉग को जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और मुझे आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी कि मेरी डिलीवरी में अभी जो है सिर्फ और सिर्फ आज 6 तारीख है, मतलब आज मैं दूसरे दिन मतलब अभी ख़त्म, जैसे अब आज आप लोग देख रहे हो ब्लॉग, ये आज के दिन का ही है, तो आज 6 तारीख है, मेरी 16 तारीख को मेरी डिलीवरी है, तो ये जो है हमारी फाइनल डेट है। मीन्स कि अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए, 10 दिन कह लें या फिर हम 9 दिन कह लें मेरी डिलीवरी में। और कल इंशाल्लाह जो है मैं बेबी बैग भी अपना तैयार करूंगी, उसके अलावा जी मुझे अपना बैग भी तैयार करना होगा, ये तो मुझे अब जाके पता लगा कि मुझे अपने लिए भी चीज़ें लेनी होंगी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, बट मुझे साइमा आपी ने बताया कि मैम तुम्हें ये सब चीज़ें लेनी होंगी। इंशाल्लाह जो है मैं अब वो सब चीज़ें लूँगी तो आप बस शेयर करूँगी। और वैसे अगर आप लोग का भी कोई सजेशन हो मेरे लिए तो डू लेट मी नो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब मुझे उन्होंने सब चीज़ें बताई ना, मैंने कहा मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मतलब सीरियसली इतना सब कुछ था मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे सैमा पी ने सब चीज़ें बताई हैं। तो खैर आप लोग का भी कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो, और बस मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।